पहले हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई, उसके बाद स्लीपिंग लाइन बनाई, उसके बाद हमने क्रॉस लाइन बनाई, और ये भी क्रॉस लाइन ही है, लेकिन ये जो क्रॉस लाइन है वो इस क्रॉस लाइन के ऑपोजिट साइड है, और ये ट्रायंगल जैसी लाइन बनाई। अब जो आ रही है वो ये ट्रायंगल जैसी है, लेकिन इसको हम लेस देन साइन ही बोल सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, अभी आपको यहाँ पे थ्री लाइन में आपको डॉट दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसा, और यहाँ से इस तरफ डॉट जा रहा है, तो हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। हम फिर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ तक हम फिनिश करेंगे, फिर से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखना आप, और यहाँ तक हम फिनिश करेंगे। ये जो साइन है वो लेस देन की तरफ जा रही है, यानी कि लेस देन साइन है। हम इस साइन को हम लेस देन साइन भी बोल सकते हैं। ये लेस देन साइन है वो इस तरफ ये जो हमने साइन बनाई है उसी तरह दिखाई दे रही है ये लाइन, लेकिन ये जो ट्राइंगल की तरह लाइन थी, लेकिन ये उसका जो फेस था वो इस तरफ था, लेकिन ये वाली जो लाइन है उसका फेस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम फिर से करते हैं ऐसे और फिर ऐसे, बीच में जब आती है तब यहाँ से जो लाइन का फेस है वो चेंज हो जाता है। यहाँ तक हम करेंगे और फिर से यहाँ तक करेंगे, फिर से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से डिफरेंस करेंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हम करेंगे तो हमको आ जाएगा। इसी तरह आपको प्रैक्टिस भी करनी है। फिर से हम करते हैं एक बार, हो गई है लाइन। अब दूसरी वाली जो लाइन है वो इस तरफ दिखाई दे रही, उसका जो फेस था वो इस तरफ जा रहा था, और ये जो लाइन है इसका फेस इस तरफ जा रहा है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ हमें डॉट दिखाई दे रही, इनको हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ ऐसा फिर ऐसा, यहाँ फिर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक फिनिश करेंगे। यहाँ आपको ऐसी लाइन दिखाई दे रही है, ये जो थी उसके ऑपोजिट साइड आपको दिखाई दे रही है। यहाँ फिर से ट्राई करेंगे ऐसा, उसके बाद ऐसा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ एंड तक हम फिनिश करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, ये लाइन तक हम फिनिश बनाएंगे, स्टार्ट दैन कंप्लीट, स्टार्ट और कंप्लीट। ये हमारे जो साइन है वो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ आपको थ्री जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि दो बार आपको कर्व दिखाई दे रहा है, तो हमें कैसे करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसा, और यहाँ वापस एक जॉइंट वाला कर्व बनाएंगे, और फिर से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमें स्टार्ट करना है, एक बार हमने कर्व बना लिया, अब दूसरी बार कर्व बना रही हूँ ऐसा। अब ये थ्री जैसा दिखाई दे रहा है, हमें फिर से स्टार्ट करती हूँ और उसके साथ जॉइंट वाला कर्व बना दिया, ये तीन बार हो गया। अब मैं अपनी आप ही करती हूँ बिना डॉट के, पहला कर्व बनाया, अब यहाँ दूसरा कर्व बना दी हूँ, ये पहला और उसके जॉइंट वाला दूसरा कर्व बना लिया मैंने। अब मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, पहला कर्व और बाद में दूसरा कर्व, ये पहला कर्व और ये दूसरा कर्व। हम इंग्लिश में हम अल्फाबेट में जो सी लिखते हैं वो सी है, लेकिन उल्टा सी है, ओके। हम दो बार कर्व करते हैं तो आप सभी को आ जाएगा। एक बार हम डॉट के साथ करेंगे और एक बिना डॉट के करेंगे। पहले हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई, उसके बाद हमने स्लीपिंग लाइन, देन क्रॉस लाइन, देन क्रॉस लाइन, और ये दो क्रॉस लाइन को ज्वाइन करके ट्राइंगल जैसा बनाया, और ये दो क्रॉस लाइन को बनाकर हमने इस साइड जैसे साइन बनाई, और ये दो क्रॉस लाइन को ज्वाइन करके हमने उनकी ऑपोजिट साइड बनाई। अब ये थ्री जैसा दिखाई दे रहा है, दो कर्व को हमने ज्वाइन करके ये साइन बनाई। अब यहाँ पे देखो आपको आधा सर्कल दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ये आधा सर्कल है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये क्या दिखाई दे रहा है, उल्टा सी दिखाई दे रहा है आपको। और फिर से मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, आपको गुजराती और हिंदी में ये दोनों लाइन को टच करके ऐसी साइन बनानी है। अब मैं अपने आप ही करती हूँ।
मैं फिनिश करूंगी और फिर से स्टार्ट करती हूँ। ये हो गया, ये बिल्कुल सी की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो था वो सी का ऑपोजिट साइड था। और यहाँ आपको बिल्कुल सर्कल ही दिखाई दे रहा है, आधा सर्कल और आधा सर्कल दोनों को मिलाकर हमें सर्कल मिल जाएगा। अब मैं सर्कल बनाती हूँ, ये डॉट को मैं ज्वाइन करूंगी। हो गया है मेरा सर्कल। अब मैं दूसरी बार कर रही हूँ, अब बिना डॉट के साथ करूंगी। तो यहाँ पे देखना मैं सर्कल कैसे कर रही हूँ। एक बार यहाँ से कर दिया और एक बार यहाँ से कर दिया तो सर्कल हो गया। और मैं फिर से करती हूँ, एक बार उस साइड ये वाला आधा सर्कल करूंगी और दूसरी बार ये आधा सर्कल करूंगी। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ और यहाँ तक फिनिश करूंगी। हो गया मेरा सर्कल। अब यहाँ आपको एक साइन दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले क्रॉस लाइन आती है, उसके बाद आपको सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, फिर से लाइन है, क्रॉस लाइन, फिर से सर्कल है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। हम डॉट के ऊपर ही करेंगे, यानी कि डार्क बनाएंगे इसको। यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है, जहाँ आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर हम ऐसी लाइन बनाएंगे, यानी कि डार्क करेंगे यहाँ ऐसे। अब यहाँ तक ही है और आगे हमें अपने आप ही करना है। तो हम पहले कैसे करेंगे, हम पहले यहाँ तक ले जाएंगे इसको, यहाँ डॉट के
ऐसा।